मोदी मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। इस बार कई युवा नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कैबिनेट मंत्रिमंडल में अधिकतम 81 मंत्रियों को जगह दी जा सकती है और इस वक्त कैबिनेट में 77 मंत्री बनाए जा चुके हैं। नए मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 15 कैबिनेट, 8 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस विस्तार की बड़ी वजह यह है कि इस बार 11 नारी शक्तियों को भी इसमें जगह दी गई है, जिसमें 4 महिला मंत्री पहले से मंत्रिमंडल में शामिल थीं और 7 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। जो चेहरे पहले से मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता शामिल थी। जिन 11 महिला मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उनके नाम और विभाग कुछ इस प्रकार है। निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, शोभा करंदलाजे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, दर्शना विक्रम जरदोश कपड़ा मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, रेणुका सिंह सरूता जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। महिला मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल होना नारी शक्ति को बढ़ावा देना है। जहां मंत्रिमंडल में अब नारी शक्ति दिखाई देगी, वहीं लोगों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नारी शक्तियां विभागों को कितनी बखूबी से संभालती हैं और नारी शक्ति की मिसाल पेश करती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का सीधा संकेत है कि अब भारत की राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदलने वाला है।